कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा, मुल्क भर में मुतासिर अफराद की तादाद 190 से तजावुज कर गई। सिंध में कोरोना वायरस के 5 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मुतासिर अफराद की तादाद 155 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया, सखर में मौजूद 234 जायरीन के टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। अब तक 119 अफराद के कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। वजीरे सेहत पंजाब ने सूबे में 8 अफराद में वायरस की तस्दीक की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि डीजी खान में इस वक्त 736 अफराद जेरे निगरानी है। पंजाब हुकूमत मरीजों की रिपोर्ट नहीं छुपा रही। खैबर पख्तूनख्वा में 15, बलोचिस्तान में 10 कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे के नए तामीर शुदा अस्पतालों को 1 माह में फाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत देही इलाकों में साबुन भी तकसीम करेगी। इजलास में वजीर आला सिंध ने सखर लेबर कॉलोनी में मौजूद जायरीन को मुकम्मल सहूलियात देने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा, सखर में डॉक्टर समेत तमाम जरूरी अशिया का इंतजाम किया जाए। इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस टेस्ट करने की नई किट्स खरीदी जाएं। दूसरी तरफ सिंध फूड अथॉरिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए होटल मालिकान, केटरर्स और मुलाजमीन के लिए एहतियाती तदाबीर का हिदायतनामा जारी कर दिया। तमाम फूड पॉइंट्स, होटल्स और दुकानों में मुलाजमीन के लिए मास्क, जरासीम कुश साबुन, सैनिटाइजर्स और ड्रायर फराहम किए जाएं।